पूरी दुनिया में इन दिनों कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर खलबली मची हुई है। अब इन सभी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक ने कहा है कि 25 देशों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर दुनिया भर के देशों की नजरें हैं। WHO के 506 क्षेत्रों में से कम 25 देशों में ओमिक्रॉन के मामले पाए जा चुके हैं। इसके आंकड़े अभी और बढ़ेंगे। संगठन इसे काफी गंभीरता से ले रहा है। इसी के साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि बाकी सभी देशों को भी इसे बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। ये वायरस हमें जकड़ता रहेगा जब तक हम इसे फैलते रहने देंगे। इसी के साथ आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि संगठन लगातार ओमिक्रॉन के बारे में मालूम कर रहा है, लेकिन ट्रांसमिशन पर इसके असर, इसकी गंभीरता और टेस्ट वैक्सीन्स के इस पर असर के बारे में पता लगाना बाकी है। कई WHO के सलाहकार समूहों ने पिछले कुछ दिनों में बैठक की है कि ताकि सबूतों का परीक्षण किया जा सके और अध्ययन कर बाकी सवालों का जवाब हासिल किया जा सके। आप सभी को बता दें कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए पिछले कुछ दिनों में देशों द्वारा उठाए गए उपायों की आलोचना की है। वही बीते मंगलवार को बयान में WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि वह बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में पाए गए इस नए वेरिएंट को लेकर बेहद चिंतित हैं। आप सभी को बता दें कि पिछले हफ्ते इस वेरिएंट के मिलने के बाद कई देशों ने साउथ अफ्रीकी देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।